राइट एंगल्स। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशो के बारे में पता है, फंक्शंस या रेशो हमने पढ़ा था, सेम चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शन एट अलाइड एंगल्स। अब देखते हैं इसमें ये जो वर्ड है अलाइड एंगल, ये होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है। अलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स, या दोज एंगल्स आर नोन एज अलाइड एंगल्स, वेयर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज ईदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 9। अलाइड एंगल दोज एंगल्स वेयर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स इज ईदर जीरो, या तो जीरो बन जाए सम और डिफरेंस, और मल्टीपल ऑफ 90। किसका मल्टीपल बन जाए? 90 का मल्टीपल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं कहूं मेरे पास एंगल है 30 डिग्री। अब 30 का अलाइड एंगल, 30 का अलाइड एंगल, या तो आप -30 बोल दोगे, क्योंकि -30 करते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो -30 इज अलाइड एंगल। या मैं कह दूंगी 60, क्योंकि 30 + 60 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दीज आर नोन एज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स वेयर सम और डिफरेंस, आप कुछ भी कर सकते हो, सम भी कर सकते हो दोनों का, डिफरेंस भी कर सकते हो, दो एंगल का सम या डिफरेंस करके, या तो आपका आंसर जीरो आए या आपका आंसर 90 आए, 90 या मैं कह दूं पाई बाय 2 आए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, सपोज मेरे पास एंगल है, मैं लिख रही हूं साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, एक्स, मेरे पास एंगल है एक्स। क्या एक्स के सारे अलाइड एंगल्स बता सकते हैं? अलाइड एंगल फिर से डेफिनेशन देखेंगे, दोज एंगल्स वेयर जब दो एंगल का सम या तो जीरो हो जाए, आपको लेने दो एंगल्स ही है, दोज टू एंगल्स वेयर सम ऑफ डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल इज ईदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 90। मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब पाई बाय 2, इसके कोई भी मल्टीपल, पाई बाय 2, मैं बोल दूं 2π/2, मैं बोल दूं 3π/2, तो मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए, 90 के मल्टीपल बन जाए, 90 के मल्टीपल क्या होंगे, 180, 270, 360 एंड सो ऑन अप टू अप, चलते जाओ, हर एक मल्टी, हर एक एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल जितने भी हैं, ऑल दोज एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 9। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कह रही हूं एक्स का अलाइड एंगल, पहला सीधा सीधा जो मेरे दिमाग में वैल्यू आती है, अगर मेरे को वैल्यू जीरो बना दिया, अलाइड एंगल का यही तो मतलब है, दो एंगल का सम 90 या जीरो होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स, एक्स को जीरो बनाने के लिए माइनस एक्स करना पड़ेगा। दूसरा पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स, अगर मेरे पास पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स है, अब आप ध्यान से अगर इसको इसके साथ माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, इधर प्लस एक्स है ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा। अगर आप ऐड कर देंगे, प्लस माइनस एक्स का मतलब है आप एक बार प्लस एक्स लेके करेंगे, दूसरी बार आप इसको पाई बाय 2 माइनस एक्स, जब ये प्लस है तो आप इसके साथ माइनस कर दें, और जब ये माइनस है आप इसके साथ प्लस कर दें, तो ये दोनों एंगल का सम क्या बन रहा है, 90। ये भी हो सकता है एक्स का अलाइड एंगल, मैं कह दूं एक्स प्लस माइनस 360 डिग्री, या 2π प्लस माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो अलाइड एंगल ऑफ एक्स। तो दीज आर बेसिकली अलाइड एंगल्स। चलिए अब हम करते हैं, ये तो हमने समझ लिया व्हाट आर अलाइड एंगल्स, इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन अलाइड एंगल्स पे वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट दीज अलाइड एंगल्स। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, हमने यहां पे पढ़ा मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमारे जो एंगल्स बनते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, अगर आपको याद होगा, उन एंगल को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। कौन कौन से होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स? इसमें जीरो डिग्री का एंगल भी बन रहा है, जीरो रेडियंस का एंगल भी बन रहा है, पाई बाय 2 एंगल बन रहा है, पाई एंगल बन रहा है। ये पाई होता था, या इसको मैं 2π/2 भी बोल सकती हूँ, 2π/2 भी बोल सकते हैं, इसको आप 3π/2 भी बोल सकते हैं,
इसको आप 2 पाई बोलने के बजाय 4 पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं. अगेन 5 पाई बाय 2, अगेन 6 पाई बाय 2, अगेन 7 पाई बाय 2. इसका मतलब ऑल द क्वाड्रेंटल एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. ऑल द क्वाड्रेंटल एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. ध्यान से देखेंगे 19 × 5, 19 × 6, 19 × 2, 19 × 3, 19 × 7. तो ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 90. और क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं जो एक्सिस पे बने होते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बने. ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 90 और पाई बाय 2 और 90 डिग्री. सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 90 और पाई बाय 2. सिर्फ ये आपको बताना था कि ये जो पाई बाय 2 के हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं ये है क्या. अगर मैं वैसे 90 के मल्टीपल देखूं तो क्या बनेंगे? पहला 90 का मल्टीपल 90 होगा, दूसरा मल्टीपल 180 होगा, तीसरा मल्टीपल 270 होगा, फोर्थ मल्टीपल 360 होगा. अगेन घूमते जाओ, जब आप वापस यहाँ पे पहुंचोगे ये भी तो 90 का मल्टीपल होगा क्योंकि 360 प्लस 90 हुआ है. तो हर क्वाड्रेंटल एंगल जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. क्लियर है जी यहाँ तक? तो अभी तक हमने ये देखा है व्हाट आर एलाइड एंगल्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट दीज एलाइड एंगल्स. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट दीज एलाइड एंगल्स. चलिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ एक दो बातें याद रखनी है. कुछ पहले से पता है और दो सारी बातें पहले से पता है, पर बातों को एक साथ रख के हमने अपना आंसर निकालना है. चलिए जी देखते हैं. अब हम सीख चुके हैं कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं. चलिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा. आंसर आता था कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा. आंसर था साइन थीटा. टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा. एंड लास्ट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा वाज सीकेंट थीटा एंड सीकेंट 90 माइनस थीटा वाज कोसिकेंट थीटा. अब ध्यान से देखेंगे ये जो थीटा है दिस इज एंगल. थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट थीटा इज लेस देन 90. याद रखना जो थीटा की हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थीटा कह रही हूँ, थीटा जो है अभी एलाइड एंगल के केस में जब भी हम बात करेंगे थीटा इज एंगल व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री. हमेशा 90 से छोटा होगा, हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा. चलिए जी अब देखते हैं हुआ क्या. यहाँ पे आपको बड़ी सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रही होगी. क्या साइन किस में बदल रहा है? कॉस में. कॉस किस में बदल रहा है? साइन में. टेन किस में बदल रहा है? कॉट में. कॉट बदल रहा है टेन में. कोसेकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसेकेंट में. यही हमने पढ़ा है. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं और कोसेकेंट और सीकेंट आपस में बदलते हैं. चलिए अब आते हैं वो चीजें जो हमने पहले से पढ़ी हुई है, एक बार बस साइड में लिख लेते हैं और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में. चलिए जी, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. क्या आपको याद है कि साइन की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे थी? साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता था? वाई एक्सिस को. तो अगर साइन वाई एक्सिस के इक्विवेलेंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां पे था? एक्स एक्सिस पे. बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है. तो ये जो लाइन है इस पे साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अगर इस पे साइन 0 है तो इस पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0. इस पे साइन 0 है और इस पे कॉस 0 है. अब आप ध्यान से देखेंगे, अब एंगल्स देखते हैं. यहां पे बनता है 0, यहां पे बनता है एंगल पाई बाय 2. ध्यान से देखेंगे दिस इज वाई एक्सिस बट जो एंगल बन रहा है वो पाई बाय 2 बन रहा है पहला एंगल. यहां पे फर्स्ट एंगल पाई बनता है, यहां पे एंगल बनता है पहला 3 पाई बाय 2. नेक्स्ट एंगल जो यहाँ पे हम बनाते हैं दैट इज 2 पाई. यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 पाई बाय 2. 5 पाई बाय 2 यहाँ पे बन जाएगा, 3 पाई यहाँ पे बन जाएगा, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. ये ऐसे चलता ही रहेगा. इसका मतलब
इसलिए बनाई थी ताकि हम इस चीज को भूल ना जाए, हमेशा वैल्यूज याद ना रखनी पड़े। इससे बड़ा इजीली आप विजुलाइज कर सकते हो कि अच्छा जो cos 3 pi by 2 की वैल्यू होगी वही cos 7 pi by 2 की वैल्यू भी होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही जगह लाए कर रहे हैं। हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। आपने पहले सर्कल में घूम के आए, आपने 2 pi एंगल बनाया, दूसरी बार जब आप घूम के जाओगे आप 4 pi एंगल बनाओगे। बात तो वही होगी, जहां से शुरू हुए थे आप वहीं पे पहुंच गए हो। चलिए आगे देखते हैं। ये रही एंगल की बात। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में ओनली sin थीटा पॉजिटिव एंड cosecant थीटा पॉजिटिव, थर्ड में tan थीटा पॉजिटिव एंड cot थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव एंड secant थीटा इज पॉजिटिव। यही था जो हमने अभी तक पढ़ा था। पहले में सारी पॉजिटिव है, दूसरे में sin और cosecant पॉजिटिव है, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव है, और चौथे में cos और secant पॉजिटिव। चलिए अब हम देखते हैं कि ये अलाइड एंगल्स के साथ जब ये एंगल ऐसा कुछ है 90 माइनस थीटा, इसके साथ हुआ क्या, कैसे ये वैल्यू बदले। अब ध्यान से देखिए 90 माइनस थीटा, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 90 माइनस थीटा भी हो, मैं ये भी तो लिख सकती हूँ साइन पाई प्लस थीटा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई प्लस थीटा, फिर मैंने लिख दिया साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कुछ भी हो सकता है। चलिए जी अब पहले तो ये एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ये पाई प्लस थीटा है क्या। अगेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0, तो अब मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ ये पाई प्लस थीटा लाए कहाँ पे करेगा, है किस एंगल की बात हो रही है ये। चलिए जी इसमें देखते हैं, मेरे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं। अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा की बात करूं, थीटा इज आर वेरिएबल, क्या पाई वेरिएबल है या कांस्टेंट वैल्यू है? पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो मेरे को पता है, दिस एंगल इज पाई। अच्छा पाई यहां पे है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज पाई बाय 2। इफ दिस इज पाई बाय 2, अगर मैं पाई बाय 2 से इधर आ जाऊं तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, सही या गलत? This is pi by 2. अगर मैं plus जाती हूँ तो angle इधर जाएगा, अगर negative जाती हूँ तो इधर जाएगा. And again theta is always less than 90 degree. तो pi by 2 90 minus, चाहे theta की value आप 1 भी ले लो, 89 degree, 89 degree लाए तो इसी quadrant में करेगा. इसका मतलब first quadrant में अगर मैं देखूँ pi by 2 minus theta कौन से quadrant में लाए करेगा, in the first quadrant. चलिए अगर मैं देखूँ 0 plus theta, अगेन 0 प्लस थीटा, थीटा कोई ना कोई वैल्यू तो होगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा है थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे 1 डिग्री भी हुआ फिर भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। चाहे आप बोल दो 2 पाई प्लस थीटा, फिर भी तो ये इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि 2 पाई पूरा यहां तक 2 पाई है प्लस थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव एंगल भी नहीं है, थीटा इज पॉजिटिव एंगल, अगर पॉजिटिव एंगल है तो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए ये बात है यहां पे, अगर ये पाई बाय 2 है, अगर मैं पाई बाय 2 से थोड़ा सा इधर आ जाऊं, लेट्स से इसको मैंने वेरिएबल नाम दे दिया थीटा, तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है जी, ए बन गया पाई बाय 2 प्लस थीटा। सपोज अगर मैं यहां से चली जाऊं ऐसे और ये एंगल भी है थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे पाई माइनस थीटा। आप बहुत ध्यान से देखोगे पाई माइनस थीटा, पाई से थोड़ा सा कम, अगर पाई से थोड़ा सा कम है फिर भी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 90 से थोड़ा सा ज्यादा है तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके हिसाब से आपको बड़े इजीली समझ आ चुका होगा कि इसको मैं लिख सकती हूँ पाई प्लस थीटा, और ये पाई से थोड़ा सा बड़ा है या 3 पाई बाय 2 से कम है, यही तो हुआ यहाँ पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपने कोई एंगल लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस पाई की जगह आप 3 पाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसी एक एक्सिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स पड़े हुए हैं, इस एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट एंगल्स हैं 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 12 पाई एंड सो ऑन अप टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, कहीं तक भी एंगल जा रहा है ये सिर्फ वाई एक्स एक्स एक्सिस है, पर इसमें एंगल एक है या मल्टीपल एंगल्स है, मल्टीपल एंगल्स लाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वाई की जगह वो एंगल चेंज कर देना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा,
ठीक है जी, बिल्कुल सही है। 273 पाई बाय 2 इज 270 डिग्री, 270 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे, सपोज कोई एंगल, इसको मैं अलग से बना रही हूं, सपोज मेरा कोई, दिस इज माय इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड, पहले भी बताया हुआ है फिर से बता रही हूं, मेरा टर्मिनल साइड आगे कौन से डायरेक्शन में घूमी, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है या नेगेटिव एंगल बनता है, नेगेटिव एंगल। तो बेसिकली अगर आपके पास एंगल कभी माइनस थीटा दिखे तो आपने क्या समझना है कि माइनस थीटा मतलब इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज माइनस थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम मतलब यहां से पहले ही होगा, यहां से आगे तो बड़ा नहीं होगा क्योंकि यहां तक 90 है, 90 से कम आप 89.9 भी ले सकते हो, पर फिर भी तो वो 90 वाली लाइन को टच नहीं कर रहा, रहे तो किस क्वाड्रेंट में रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली आपको इन एंगल्स की वैल्यू देखनी है कि अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। चलिए आपने ये नोट कर लिया, आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम चलते हैं आगे। कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, अभी आप बड़े इजीली समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले मैं अपना एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा, आपको ये पता है साइन जब भी बदलता है किसमें बदलता है, कॉस में, कॉस किसमें बदलता है, कॉस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सीकेंट कोसेकेंट में कोसेकेंट सीकेंट। अब एक चीज बहुत ध्यान से आप नोट करें, हमेशा याद रखेंगे, इफ एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंगल मतलब ये जो पाई बाय, सपोज ये मैंने लिखा है पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसकी बात हो रही है इस एंगल की, इफ दिस एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला है, अगर ये एंगल किस पे लाइ कर रहा है, पाई बाय 2 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्या होगा, सपोज मैं इसको एक एंगल नाम दे देती हूं, ये एंगल अगर एक्स एक्सिस पे लाइ कर रहा होगा तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, जीरो, एक्स एक्सिस पे एंगल्स आप ढूंढो, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सेवन पाई, ये सारे एंगल, अगर आपका जो एंगल है, ये जो एंगल है, कैसे मैंने ये लिखा है साइन, ये मेरा क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल प्लस थीटा, इफ योर क्वाड्रेंटल एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, अभी देख लेते हैं कैसे। ठीक है जी, क्वाड्रेंटल एंगल अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और अगर क्वाड्रेंटल एंगल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सेवन पाई एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी चलता जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एंगल इस जगह पे आपको मिल गया तो क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपका एंगल कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, चलिए अगर आपका वाई एक्सिस पे है, मैं कह रही हूं साइन क्वाड्रेंटल एंगल प्लस थीटा, इफ क्वाड्रेंटल एंगल इज ऑन वाई एक्सिस देन साइन थीटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कॉस थीटा में, कॉस थीटा की हो जाएगी साइन थीटा में, टेन थीटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टेन थीटा में, और सीकेंट थीटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोसीकेंट थीटा में, और कोसीकेंट थीटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सीकेंट थीटा में। और क्वाड्रेंटल एंगल वाई एक्सिस पे कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल लाई करते हैं, पहला एंगल इज पाई बाय 2, दूसरा इज 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2 और मल्टीपल सारे, देन 7 पाई बाय 2, देन 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अगर ये एंगल आ गए आपके क्वाड्रेंटल एंगल तो आपका
मल्टीप्लाई कर रहे हुए, पाए के मल्टीपल्स हुए, इसको मैं कह सकती हूँ मल्टीपल्स ऑफ पाए। अगर पाए के मल्टीपल्स हैं तो आपके एंगल ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, और अगर पाए बाय टू के मल्टीपल्स हैं तो आपके एंगल्स ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर वो किसके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ पाए बाय टू। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, इफ मल्टीपल ऑफ पाए बाय टू देन ट्रांसफॉर्मेशन में लगकर, अगर पाए बाय टू के मल्टीपल नहीं है, अगर पाए के मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्मेशन लगकर नहीं होगी। क्लियर है जी यहां तक? चलिए ये हमने सीख लिया। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं कुछ एंगल्स के, आप ये नोट कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ कि ये कैसे हो। चलिए आपको इन क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, जो थीटा है एंगल, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, वो आप डिफॉल्ट सोच के चलिए। चलिए पहला एग्जाम्पल हमने दिया था साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। अब ध्यान से स्टेप नंबर वन, आप ये चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। पहले चेक करिए पाई बाय टू माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से थोड़ा सा कम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चेक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है जी। क्वाड्रेंट चेक किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल चेक किया, चेक फॉर क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल आप चेक करेंगे पाई बाय टू का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है, पाई बाय टू का मल्टीपल है। पाई बाय टू पे वैल्यू बदलती थी या नहीं बदलती थी, बदलती थी, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा। क्या बन जाएगा ये, प्लस कॉस थीटा। अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, secant 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखेंगे 90 की जगह पे मिल रहा है पाई बाय टू। पाई बाय टू माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारी टी रेशियोस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर टी रेशियो पॉजिटिव आती है। चलिए जी पाई बाय टू माइनस थीटा, अब अगेन वी विल चेक इसको पाई क्वाड्रेंटल एंगल को, पाई बाय टू चेंज होगा या नहीं होगा, हाँ जी चेंज होगा, क्योंकि अगर पाई होता तो चेंज नहीं होता, अगर पाई बाय टू है तो चेंज हो जाएगा। सीकेंट किसमें चेंज हो जाता है, कोसीकेंट एंड थीटा, यही आ जाएगा, ठीक है जी, कोसीकेंट थीटा। अब अगेन चलते हैं, अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास है कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा से आपको ये समझ आ गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है आपके पास, कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, ठीक है। फिर उस क्वाड्रेंट में वी विल चेक वेदर द टी फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर द टी फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान से देखेंगे पाई बाय टू प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो अब चेक करेंगे, ठीक है जी, साइन तो समझ आ गया। अब लिखेंगे क्या, पाई बाय टू है, पाई बाय टू पे वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती, बदलती है, तो कॉस किस में बदल जाएगा, कॉस हमेशा जब भी ट्रांसफॉर्म होता है साइन में होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। cos pi by 2 plus theta is always minus sin theta, ठीक है जी। अब next करते हैं, suppose मेरे पास है sin pi by 2 plus theta, check करें pi by 2 plus theta से समझ आ गया quadrant कौन सा है, second quadrant है, second quadrant में sin positive और negative, positive, very good, sin positive आ गया जी, अच्छी बात है sin positive आ गया। अब पाई बाय टू पे साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा, और साइन किस में बदल जाएगा, प्लस कॉस थीटा में बदल जाएगा। ऐसे ही आप टेन पाई बाय टू प्लस थीटा में भी चेक कर सकते हैं, पाई बाय टू प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगा लिया, और पाई बाय टू पे तो टी रेशियो की वैल्यू बदलती ही है, तो हमारा आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा। क्लियर है जी।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हम ले लेते हैं सीकेंट पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस थीटा इज अगेन आर सेकेंड क्वाड्रेंट। हमने यहां पे लिखा हुआ है ये जो चीज है दिस, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट और साइन पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव है बिल्कुल सही है, नेगेटिव है। उसके बाद ये चेक करेंगे ये एंगल क्या है हमारा, क्वाड्रेंटल एंगल पाई या पाई बाय टू? पाई। क्या पाई पे टी रेशियो बदलती है या नहीं बदलती? नहीं बदलती। तो सीकेंट पाई माइनस थीटा इज माइनस सीकेंट थीटा। तो सीकेंट पाई माइनस थीटा इज माइनस सीकेंट थीटा। चलिए जी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं कोसेकेंट पाई प्लस थीटा। हाँ जी, कोसेकेंट पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा से आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव तो ठीक है, अब ये पाई हमारा ये डिसाइड करेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन अक्कर होगी या नहीं होगी। पाई है, पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा। क्लियर है जी यहां तक? चलिए अब सीकेंट पाई प्लस थीटा इट वाज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं लिखूं थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, ध्यान से देखेंगे थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? अगेन दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सीकेंट नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव का साइन लगा लिया। थ्री पाई बाय टू जो है वो पाई बाय टू का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है? ये तो पाई बाय टू का मल्टीपल है। अगर पाई बाय टू का मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? हाँ जी होगी, सीकेंट किसमें बदल जाएगा? कोसेकेंट थीटा में। तो सीकेंट 270 माइनस थीटा इज माइनस कोसेकेंट थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का हमने एक एग्जांपल कर लिया, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जांपल था। चलिए जी अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 3 पाई बाय 2, कुछ भी लिख सकती हूं ना मैं, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ठीक है जी कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है जी पॉजिटिव साइन लगा लिया। 3 पाई बाय 2 कौन सा एंगल है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो कॉस साइन में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा? हां जी बिल्कुल होगा। बस अब एक चीज में कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो साइन आंसर के बेसिस पे लगाते हैं। मैंने साइन किसके बेसिस पे लगा लिया? आंसर के बेसिस पे। मैं आंसर देख के साइन थोड़े ना लगाऊंगी, मैं ये देख के साइन लगाऊंगी कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो यहाँ पे प्लस या माइनस आता है वो इसकी वजह से आता है, ना कि इसकी वजह से। बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो प्लस माइनस आता है वो हमेशा इसकी वजह से आता है। यहाँ पे प्लस माइनस आया वो इस सीकेंट की वजह से आया, यहाँ पे माइनस आया इस कोसेकेंट की वजह से आया। क्लियर है जी? तो आप ये गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे, ये जो प्लस और माइनस है ये इसकी वजह से आता है। क्वेश्चन में जो हमारा टी फंक्शन दिया हुआ है, हमारा आंसर क्या आ रहा है टी फंक्शन का, वो डिसाइड नहीं करता हमारा साइन। इसीलिए सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे रेशियोज को, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं क्वाड्रेंट चेक करके और ये रेशो चेक करके हम यहाँ पे पहले ही प्लस और माइनस लगा रहे हैं, ताकि बाद में कंफ्यूजन ही ना हो कि अच्छा अब मैं ये प्लस साइन के बेसिस पे लगाऊं या कॉस के बेसिस पे। क्योंकि देखिए अगर आप ये प्लस माइनस साइन के बेसिस पे लगाते तो ये माइनस साइन थीटा बन जाता, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ये चीज को आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, जो कि हम एक एग्जांपल कर चुके हैं। सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाए कॉस माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था अगर कभी भी माइनस थीटा हम करते हैं कॉस माइनस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे ये जो माइनस थीटा है हमने अभी पढ़ा था माइनस एनी एंगल, और थीटा हमेशा लेस देन 90 है, तो ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या चेक करेंगे? अच्छा जी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस माइनस
थीटा को आप ये समझ के चल लो कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो इज दिस, इस एक्सिस पे जीरो डिग्री बन रहा है, जीरो रेडियन बन रहा है। अगर मैं जीरो से प्लस जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा था थीटा प्लस जीरो प्लस थीटा, चलो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख लेती हूँ जीरो माइनस थीटा, तो दिस इज ऑल्सो विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर माइनस थीटा लिखा है कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा अब तो यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल आया ही नहीं, वो जीरो था, मैंने जीरो अपने मर्जी से लगा दिया जीरो माइनस थीटा। अब अगेन चेक करेंगे जीरो माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये जीरो नहीं भी है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस जीरो डिग्री पे जीरो रेडियन पे वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती, नहीं बदलती, इट इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ इनटू नेगेटिव ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव कॉस थीटा। कॉस ही एक ऐसी टी रेशियो है कॉस और सीकेंट, कॉस और सीकेंट सिर्फ एक ऐसी टी रेशियो है जब भी ये किसी भी एंगल नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव देती है, उसका असली रीजन ये है। आपको ये याद भी रखना है कि कॉस और सीकेंट सिर्फ ऐसी टी फंक्शंस हैं जो जब भी किसी नेगेटिव एंगल से मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव एंगल मतलब माइनस थीटा से, तो हम आंसर हमेशा प्लस आएगा। साइन कभी भी किसी माइनस एंगल से मल्टीप्लाई होगा, करके देखते हैं, साइन इंटू माइनस एक्स या माइनस थीटा, चलिए ये माइनस थीटा आ गया, हम कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे चेंज कर लो, साइन जीरो माइनस थीटा और जीरो माइनस थीटा, आप याद रख लो माइनस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो माइनस थीटा, सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, जीरो माइनस थीटा, ठीक है जी, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है ये जीरो डिसाइड करेगा, जीरो इज अ क्वाड्रेंटल एंगल, क्या जीरो पे टी रेशियो बदलती है, नहीं बदलती, आंसर क्या आया माइनस साइन थीटा। तो मैं सीधा ये ना समझ लूं साइन जब भी किसी नेगेटिव एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव साइन थीटा, कोसेकेंट किसी भी नेगेटिव एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर विल ऑलवेज बी माइनस कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा इज माइनस कोसेकेंट थीटा, टेन इंटू माइनस थीटा इज अगेन माइनस टेन थीटा, बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज करके cot into minus theta is again minus cot theta. तो ये चीजें थी, आपको बड़े ध्यान से, अब आप क्या करेंगे हर t रेशो के लिए, आप हर t रेशो का हर quadrant के हिसाब से हर allied angle पे value निकालने की कोशिश करेंगे, sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, यहाँ पे जैसे sin 3 pi by 2 minus theta, cos 3 pi by 2 minus theta, tan 3 pi by 2 minus theta, secant 3 pi by 2 minus theta, concept हर किसी में वही use होगा। Again एक बार फिर से revise कर लेते हैं, क्या concept use होगा, जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए जहां पे this is your quadrantal angle and this is any angle less than 90 degree, this is any angle less than 90 degree, तो आप कैसे use करेंगे, sin quadrantal angle minus theta है या जो भी है, यहां सबसे पहले यू विल चेक द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, अब सपोज आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अभी तक सिर्फ हमको ये पता चला है प्लस साइन लगाना है या माइनस साइन, अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो साइन है क्या ये ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा, और वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका ये क्वाड्रेंटल एंगल डिसाइड करेगा, इफ योर क्वाड्रेंटल एंगल इज मल्टीपल ऑफ पाई देन ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट अकर, अगर आपका जो जो क्वाड्रेंटल एंगल है दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होगी, सिर्फ ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको यूज करना है। चलिए इस क्वेश्चन का इस चीज का यूज कहां पे है वो देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास है जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनकी,
इसके सिवाय मेरे को किसी भी और एंगल की वैल्यू नहीं पता। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में तोड़ दें, इस तरीके से तोड़ दें कि मेरा जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे को बातें पता है हम उसी को यूज करते हैं। देखिए तो मैं क्या कर लूंगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन 90 प्लस 45। कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। आप इसको ऐसे लिख लें पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 90 या पाई बाय टू पे टी रेशो बदलती है या नहीं बदलती? बदलती है। तो बेसिकली अगर आपको साइन 135 की वैल्यू निकालनी है तो आपसे इनडायरेक्टली कॉस 45 की वैल्यू पूछी गई है। बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। इससे फायदा क्या होता है ये चीज यूज करके? देखिए कोई भी एंगल है, चाहे आपका एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आपका एंगल है लेट्स से 270 प्लस 30, आपका एंगल है 300 डिग्री। आपको 300 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। मेरे को नहीं पता साइन 300 डिग्री क्या होता है, याद भी नहीं किया, और ना ही ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ना ही ये किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर कर रहा होता तो हम बड़े इजीली पता कर लेते कि 300 की वैल्यू क्या है। अब देखते हैं इसका फायदा क्या है। मैंने क्या किया, इस 300 को नियरेस्ट 90 के मल्टीपल में तोड़ दिया। 90 का मल्टीपल देखते हैं 90 180 270, ये किसके आसपास लाए कर रहा है? 270 के आसपास। तो मैंने इसको लिख दिया 270 प्लस 30। 270 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ये 270 है, 270 की जगह मैं 3 पाई बाय 2 बोल दूं, बिल्कुल सही होगा, 3 पाई बाय 2, कोई गलती नहीं होगी। अभी मैं डिग्री की फॉर्म में कर रही हूं, पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो डिग्री में नहीं होंगे, वो आपके रेडियंस में होंगे। अभी समझने के लिए कि इन एंगल्स का, ये जो हमने अभी कांसेप्ट पढ़ा है, इसका फायदा क्या है? इसका ये फायदा, इतने बड़े बड़े एंगल्स आपके एक्यूट एंगल में बदल जाते हैं जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। मैं नहीं चाह रही, मैं 90 से ज्यादा एंगल की वैल्यू याद नहीं करना चाह रही। मेरे को ये भी याद है क्योंकि मैंने एक अपने दिमाग में एक वो सर्कल बनाया हुआ, सर्कल पे कोऑर्डिनेट्स लोकेट किए हुए, तो मेरे को याद है, अदरवाइज मैं याद नहीं करना चाह रहा। तो कोई बात नहीं, मत याद करो, हमारे पास ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ध्यान से देखेंगे 270, 3 पाई बाय 2, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला वही काम, क्वाड्रेंट चेक करें। साइन 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव? साइन नेगेटिव, ठीक है जी। 270, 3 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं? हाँ जी बिल्कुल होगी। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा की जगह क्या आ गया? 30। तो बेसिकली आपको माइनस कॉस 30 की वैल्यू पूछी हुई, आप कॉस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। अभी के लिए आप ये नोट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड, जो आज तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अभी के लिए आप ये नोट कर लें, और सब कुछ जो अभी तक हमने ट्रिग्नो में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हम लेक्चर्स कर चुके हैं, आप वो अच्छी तरह से रिवाइज करें। थैंक यू।